अंधेरी रात हो, अंधेरी रात घूमते घूमते सुनसान हवेली, हवेली में कबूतर मकड़ियों के जाले नीचे तहखाना तहखाने में खिड़की जो बरसों से किसी ने न खोली, वो हम बैठी रहती है भूतों की एक टोली। आपस में बतिया रहे थे आदमियों ने एक से प्यारे किससे सुना रहे थे, एक भूत बोला यार मुझे तो आदमी से बहुत डर लगता है, तुम्हें नहीं लगता? वो बोला नहीं यार इस अंधविश्वास में मैं विश्वास ही नहीं करता, आज की दुनिया में आदमी आदमी का विश्वास नहीं करता तो मैं क्यों भूत पाते फल में डरूं। इतने में पहला भूत बोला यार मुझे तो बहुत डर लगता है, जब भी घर से बाहर निकलता हूँ मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ कि आदम खोर इंसान नजर न आवे, महावीर जब नाम सुनावे, अपने बच्चों को भी डरा देता हूँ बेटा सो जा वरना आदमी आ जाएगा तुझे खा जाएगा, बेचारे डर के मारे सो जाते हैं खाना तक नहीं खाते। इतने में एक वरिष्ठ भूत बोला ये कल रात शहर हो के आया, मुझे लगता है इस पे कोई खतरनाक आदमी का साया है, अरे किसी छाना फूंक वाले को बुलाओ इसके ऊपर से आदमी को उतरवाओ, इसको कितनी बार समझाया है कि दिन या रात में शहर ना जावे और अगर भूल कर भी चला भी जावे तो वो गोल गोल संसद भवन है ना उसकी तरफ तो भूल कर भी ना जावे क्योंकि वहां सफेद कपड़ों में बैठे नेता तो उससे निपट जाएंगे, पेड़ पर उल्टा लटकाएंगे और वोट मांगेंगे, और याद रख अपने मोहल्ले की वोटर लिस्ट में अभी भी तो जिंदा है, वहां अभी भी तेरा वोट है। खोपड़ी पर तबला बजाएंगे और तुझे फोड़ेंगे, अगर भागेगा तो लंगोटी नहीं छोड़ा। इतने में तीसरा भूत बोला यार इन नेताओं को छोड़ो, इन खाकी वर्दी वालों को छोड़ो, ये जो आतंकवाद है ना इनसे हजारों किलोमीटर दूर रहिए। पहला भूत बोला यार इन आतंकवादियों से क्यों, ये तो सबूत बड़े महान है, हमारे भूतों की संख्या बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है, असली बात तो ये समझ नहीं रहे, खालिस्तान बनाने के चक्कर में पूरे देश को भूतिस्तान बना रहे हैं। इतने में एक मेरे जैसे कमजोर टी वाला भूत बोला भाइयों सो जाओ, आदमी की बातें करके मुझे मत डराओ, कई बार चक्कर खा चुका हूँ और डर के मारे चार बार बाथरूम जा चुका हूँ। इतने में वरिष्ठ भूत बोला अरे उन आदम बस्तियों की और सोचो जो भली प्रकार से भरी पूरी होने के बावजूद भी वीरान है, जहां आबाद शमशान और कब्रिस्तान है, जहां आदमी आदमी से बहुत डरता है, दिन को तो क्या रात को भी बाहर नहीं निकलता है, आज का आदमी बहुत बयावना है, वो तो हमसे भी ज्यादा डरावना है, वो तो हमसे भी ज्यादा डरावना है। दो पंक्तियां कहना चाहूंगा श्री सुरेंद्र शर्मा जी की, वो जो अपने हर कवि सम्मेलन में बोला करते हैं कि कलाम साहब कहा करते थे जब राष्ट्रपति थे कि सपने वो नहीं हैं जो सोने पे आते हैं, सपने वो बड़े होते हैं जो सोने नहीं देते। कलाम साहब की इन दो पंक्तियों को उन्होंने दो लाइनें दी थी, वो कहा कलाम साहब कहा करते थे जब राष्ट्रपति थे तब सपने वो बड़े नहीं होते जो सोने पे आते हैं, सपने वो बड़े होते हैं जो सोने नहीं देते। अब मैं कहता हूँ कि अपने वो होते हैं जो रोने पे नहीं आते, अपने वो होते हैं जो रोने नहीं।